राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्हें बीती शाम ताज पहनाया गया। उनके साथ दिल्ली की श्रेया पूंजा पहली रनर अप बनी, तो वहीं मणिपुर की थोना औजम स्ट्रेला लुवांग दूसरी रनर अप रही। बीती रात मुंबई में आयोजित एक भव्य समारोह में नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज पहनाया गया। जब से ये खबर सामने आई है तब से लोग उनके बारे में जानने के लिए बेताब हैं। हर कोई उनके नाम से स्क्रॉल कर रहा है और उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें, नंदिनी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाली ग्रैंड मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 71वें संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो चलिए जानते हैं आखिर नंदिनी गुप्ता है कौन, जो लगातार अब सर्च हो रही है। 19 साल की नंदिनी गुप्ता कोटा की रहने वाली है। उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त की है। मिस इंडिया संगठन के अनुसार नंदिनी के जीवन में रतन टाटा सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। नंदिनी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि रतन टाटा मानवता के लिए सब कुछ करते हैं और चैरिटी के लिए अधिकांश हिस्सा दान में देते हैं। वो लाखों लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं और हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं। और रतन टाटा के अलावा नंदिनी को प्रियंका चोपड़ा भी काफी प्रभावित करती हैं। मिस इंडिया का कहना है कि प्रियंका एक ब्यूटी क्वीन है जो उन्हें उनकी असंख्य उपलब्धियों के कारण प्रेरित करती हैं। आपको बता दें, नंदिनी ने सौंदर्य प्रतियोगिता का 59वां संस्करण जीत लिया। इस कार्यक्रम में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे शामिल हुए। मनीष पॉल और भूमि पेडनेकर ने शो को होस्ट किया। सभी ने एक से बढ़कर एक स्टाइलिश आउटफिट्स कैरी किए हुए थे और इस दौरान भूमि पेडनेकर का ग्लैमरस अवतार भी सबको काफी पसंद आया। वहीं नंदिनी ने अपने स्पेशल दिन के लिए ब्लैक कलर के थाई हाई स्लिट गाउन को चूज किया। मैचिंग हील्स, खुले वेवी बाल और शिमरी मेकअप के साथ उनकी स्माइल ने लुक को पूरा किया। हमारी ओर से भी नंदिनी को ढेरों शुभकामनाएं।